अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जश्न आज़ादी के बारे में। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 14 अगस्त का दिन हम बहुत ही जोश और खरोश से मनाते हैं। वतन से मोहब्बत ये एक इंसानी जज्बा है, यही वजह है कि दुनिया भर के लोग अपने मुल्क की आज़ादी को बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस दिन को बेहद ही जोश और खरोश से मनाया जाता है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ 90 की दहाई के बच्चों के बारे में कि वो किस तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया करते थे और अब 21वीं सदी के दौर में बच्चे किस तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, 90 की दहाई में बच्चे 14 अगस्त के लिए झंडियों की खसूसी तैयारी करते थे। कुछ लोग तो झंडियां घर में ही तैयार करते थे और कुछ लोग बाजार से इसको खरीद लाया करते थे। अगस्त के महीने की आमद के साथ ही बच्चे अपनी जेब खर्च को जमा करते थे और 13 अगस्त तक जितनी भी पॉकेट मनी उनके पास जमा हो जाती थी उनसे वो झंडियां और झंडे खरीद लेते थे। कुछ लोग तो आटे की मदद से झंडियों को धागे के ऊपर लपेट दिया करते थे, कुछ लोग गम का इस्तेमाल किया करते थे और इसी तरह बहुत से जबरदस्त किस्म के तरीके थे जिसको इस्तेमाल में लाकर लोग अपने घरों की छतों पर और गलियों बाजारों में झंडियां लगाया करते थे। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो कि अपनी क्लासरूम में अपने स्कूल्स में झंडियां और झंडे लगाया करते थे। इसी तरह 90 की दहाई के बच्चों में ये बात भी बहुत ज्यादा मकबूल थी और वो आपस में मुकाबला लगाया करते थे कि भाई किसका झंडा ज्यादा ऊंचा होगा, किसका झंडा ज्यादा बड़ा होगा। ये सब उनके शौक हुआ करते थे, अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार कुछ बच्चे इस तरह से किया करते थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही कम घरों में ऐसा नजर आता है कि 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तानी परचम लगाया जाता है। इसी तरह अगर हम नजर दौड़ाएं 90 की दहाई के बच्चों के बारे में तो वो 14 अगस्त के लिए खसूसी तौर पर सब और सफेद रंग का कुर्ता शलवार कमीज तैयार करवाया करते थे, अपनी अम्मी अब्बू से जिद किया करते थे कि हमें भाई इसी तरह के कपड़े चाहिए, अदरवाइज हमने बहुत शोर मचाना ही मचाना है। इसी तरह 90 की दहाई की बात करें तो स्कूल कॉलेजेस में टैबलो और मिली नकमों के मुकाबले हुआ करते थे, हालांकि पाकिस्तानी चैनल्स पर इन मिली नकमों के मुकाबले भी हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं 21वीं सदी का दौर चल रहा है और आजकल के बच्चे 14 अगस्त के दिन इन सब चीजों से बिल्कुल अलग सोच रहे होते हैं और उनकी बिल्कुल ही अलग एक्टिविटी होती है। उनको सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स करना होते हैं, कमेंट्स करना होते हैं, उन पोस्ट को शेयर करना होता है। बिल्कुल ये सही बात है कि दौर दौर की बात होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब 13 अगस्त की रात बिल्कुल आखिरी मराहल पर होती है तो उस टाइम 12 बजे एग्जैक्ट जब 14 अगस्त शुरू हो जाती है तो उस टाइम हमें चाहे हम के पटाखों और फायरिंग का इस्तेमाल करें, हमें चाहिए कि हम दो नवाफिल अदा करें शुक्राने के, अपने अल्लाह से शुक्र अदा करें कि उसने हमें पाकिस्तान जैसा एक खूबसूरत मुल्क दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।